In this video, we will learn kinds of sentences जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसके एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन बोर्ड पर आपको कुछ काइंड्स मिलेंगे। अब आप अगर किसी बुक में देखोगे तो आपको कुछ बुक्स में यहाँ पे जो ऐसा है उसी तरीके से दिखेगा, जरूरी नहीं है, कुछ कम भी दिख सकते हैं, कुछ ज्यादा भी दिख सकते हैं। करके डिटेल में मैंने कहा कि करके डिटेल में जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर हम एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अब बेसिक तौर पर अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम देखें तो जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये पहला काइंड है। अब उसी में मैंने दो काइंड सब काइंड मैंने बनाए हुए हैं, क्या बोलेंगे, सब टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब आपको अफर्मेटिव नाम का काइंड शायद बुक में ना मिले, पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है जो जनरली जो क्या बोलेंगे नेगेटिव नहीं रहता वो अफर्मेटिव रहता है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एसर्टिव का ही एक प्रकार है। जो किसी कहीं भी हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात करते हैं हम नॉर्मल, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये सब क्या है, एसर्टिव सेंटेंसेस है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी उसे बोलते हैं। तो वैसे हल्का सा अगर हम एसर्टिव और डिक्लेरेटिव का डिफरेंस है वो डिटेल में पढ़ेंगे, तो वैसे अगर आपको बताएं तो डिक्लेरेटिव मतलब किसी चीज का डिक्लेरेशन और एसर्टिव मतलब कोई भी बातचीत, ठीक है। पॉजिटिव में अगर है मतलब नो नॉट ऐसे वर्ड अगर नहीं है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव ही है पर उसमें अफर्मेटिव है, और अगर उसमें नो नॉट वगैरह लग गया तो नेगेटिव है। इतना मेरे ख्याल से काफी है बेसिक तौर पर, डिटेल में एग्जांपल सहित हम जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस डिटेल में पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। ये हमेशा कैपिटल लेटर से तो सभी स्टार्ट होते हैं पर फुल स्टॉप से खत्म होता है एसर्टिव सेंटेंस, चाहे वो नेगेटिव वाला हो चाहे अफर्मेटिव वाला हो, मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसी का नाम है, तो ये हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप WS से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन पूछो, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुम, व्हम ऐसे वाले वर्ड से, या फिर डू, डिड, डज, इज, एम, आर वगैरह वर्बल क्वेश्चन जो है उनसे क्वेश्चन पूछो, जब आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन खत्म होता है क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। देन इंपरेटिव सेंटेंस, तो जब आप किसी कोई क्या बोलेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, कमांड देने के लिए, उसके अलावा परमिशन के लिए, जब हम या सजेशन एडवाइस के लिए भी जो हम वर्ड्स जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं वो सेंटेंसेस रहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए जनरली प्लीज का यूज होता है, अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर के लिए हमेशा स्टार्टिंग जो है वो वर्ब से होती है, तो इसकी पहली पहचान तो है कि जनरली ये इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर अगर रहा तो वर्ब से स्टार्ट होगा, अदरवाइज प्लीज वगैरह वाले वर्ड रहेंगे। इट इज मतलब ये 100% तो नहीं, फिर छोटी सी ट्रिक के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और ये भी खत्म होता है जनरली फुल स्टॉप से, पर कभी कभी ये भी अगर परमिशन वगैरह आप मांग रहे हैं तो ऐसे वक्त में इंपरेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क से भी खत्म हो सकता है। उसके बाद में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये कोई हमारी जो सडन फीलिंग्स है, अचानक हमारी जो फीलिंग्स है वो शेयर करने के लिए हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, चाहे आपकी खुशी की फीलिंग हो, गम की फीलिंग हो, शॉक वाली फीलिंग हो, डर वाली फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग वो एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सेंटेंस बोलते हैं वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये वाले मार्क से। और फिर आपको दिखेगा ऑप्टेटिव, और ये ऑप्टेटिव को मैंने नया नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी के ही सब काइंड के तौर पर लिखा हो, हालांकि इसको आप नया भी मेन काइंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, पर ऑप्टेटिव जो है ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेशन का ही एक पार्ट है, एक्सक्लेमेशन का भाई है बोल सकते हो आप। जो सेंटेंस में हम किसी को कभी विश करते हैं, कभी प्रे करते हैं, है ना, या फिर अगर किसी को श्राप देना है, किसी को कोसना है तो कर्स करते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाले जो सेंटेंस है उन सेंटेंस के भी आखिरी में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज होता है, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क का ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही प्रकार है, पर इसका नाम है ऑप्टेटिव, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप प्रे करते हो, विश करते हो या फिर कर्स करते हो, और एक्सक्लेमेटरी में बाकी ये तीन के अलावा बाकी जो फीलिंग्स है वो एक्सक्लेमेटरी में आती है। तो ये कुल टोटल जो क्या बोलेंगे एक तरीके से काइंड्स ऑफ सेंटेंस का बेसिक पार्ट हो गया। एग्जांपल मैं एक एक एग्जांपल सबके अगर बताऊं तो जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, ये एसर्टिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव वाला आई डोंट ईट अ मैंगो,
ये हो गया निगेटिव वाला अपरमेटिव, निगेटिव वाला एसर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम क्या है आखिरी में क्वेश्चन मार्क आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वही डू यू गो टू स्कूल, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क किया क्या। अभी मैंने WH से स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन को, बल्कि उसके जगह पे वर्बल वर्ड से स्टार्ट किया हो, तो ये भी आखिरी में क्या हो, ये भी क्वेश्चन ही है करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा ऑर्डर, अगर है ऑर्डर है तो ओपन द विंडो, ओपन मतलब वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, खिड़की खोलो ऑर्डर हो गया, प्लीज ओपन द विंडो अब क्या हो गया रिक्वेस्ट हो गई, क्योंकि मैंने प्लीज बोला हो कृपा करके खिड़की खोल दो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या है रिक्वेस्ट है। डॉक्टर बोलता है यू शुड टेक क्या बोलेंगे यू शुड टेक यूर मेडिसिन एज पर प्रिस्क्रिप्शन, मेरे सलाह के अनुसार क्या करो अपनी दवाइयां लो, ये डॉक्टर लिख के देता है, ये क्या हो गया यू शुड टेक शुड लग गया, मतलब कि सलाह हो गई या एडवाइस हो गई। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो इंपरेटिव में भी आते हैं, जैसे अब कॉमन जब हम परमिशन मांगते हैं मे आई कम इन सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर, ये जो सेंटेंसेस है ये सेंटेंस क्या है परमिशन मांग रहे हैं, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इन सेंटेंसेस में कुछ लोग आखिरी में फुल स्टॉप यूज करते हैं, जबकि वहां पे आप फुल स्टॉप के जगह पे क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आप सवाल ही कर रहे हो, पर वो सवाल ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि इंपरेटिव वाला है, क्योंकि रिक्वेस्ट के थ्रू गया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस हैं उसके एंड में मेरे हिसाब से फुल स्टॉप के जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज करना ज्यादा बेटर है। तो अगर किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो मैक्सिमम चांसेस है कि इंट्रोगेटिव होगा, पर कभी कभी वो इंपरेटिव भी हो सकता है अगर परमिशन होगी सिर्फ तब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके लिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर ये फूल है या ये फूल कितना सुंदर है, तो इस तरह हमारे फीलिंग्स ही पूरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो एक्सक्लेमेटरी है। अगर उसके अलावा ऑप्टेटिव में हम जैसे मैंने कहा प्रेयर, तो प्रेयर के जैसे कि हम बोल सकते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, ये सब क्या है आप लंबी उम्र जियो, या फिर आपको बर्थडे की शुभकामनाएं, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब प्रेयर है या फिर विश है, या फिर मे यू नेवर गेट सक्सेस, आपका कभी भला ना हो, तुम कभी सफल ना हो, इस तरीके का ये क्या हो गया श्राप हो गया या कर्स हो गया। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है उनके इन में भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं, और ये भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इनके कही रहते हैं। तो ये बेसिक से मेरे ख्याल से बेसिक नहीं बल्कि मैंने लगभग सिर्फ एग्जाम्पल लिखा नहीं हो, अदरवाइज डिटेल में ही आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी समझा दिया हो। तो फिर भी और डिटेल में अगर हम सिर्फ काइंड्स ऑफ सेंटेंस को एक एक पर भी और भी बारीकी कुछ चीजें है तो वो हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर जो डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसमें ये सब बातें करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस की तो एक कंप्लीट आइडिया आई होगी, शॉर्ट में फ्रेज का भी मतलब समझ गया होगा, और उसके अलावा काइंड्स ऑफ सेंटेंस की भी एक बेसिक आइडिया जो है वो आ गई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।